ये डोम समाज का घर है। क्या कर रहे हैं आप? चटवा बिनना है। चटवा बिन रहे हैं, दौरा बिन। हाँ। कितना रुपया में बिक जाता है भैया? 60 रुपया 70 रुपया। 5 किलो चावल मिलता है, वो सब मिलता है आपको? नहीं मिलता है 5 किलो चावल। बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं आप लोग? पढ़ाते हैं कि पढ़ाने कहते हैं, भागता है लड़का, स्कूल में से भाग आता है। स्कूल में से भाग जाता है? भाग जाता है। सरकारी स्कूल में आप लोग भेजते हैं? भेजते हैं। ये बच्चा सब है किस तरीके से ये लोग रह रहा है, हालांकि आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये लोग कैसे किस तरीके से रह रहे हैं। ये आप लोग का पुश्तैनी काम है। हाँ। तो सरकार से मांग करना चाहेंगे आप? हाँ मांग करेंगे। क्या? हाँ, हम लोग को बसने के लिए जमीन चाहिए। अच्छा, बसने के लिए जमीन आप लोगों को चाहिए? चाहिए। सरकार नहीं देता है कुछ? ना। क्या चाहिए आपको सरकार से? इतना जमीन घरारी ना वैसे देवे ना करिए। आपको जमीन घरारी नहीं है? ना कुछ ना। इंदिरा आवास नहीं मिला है? ना। आप लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, काहे बनाते हैं? सिलेंडर उलेंडर नहीं मिला है क्या? ना ना मिला है। काहे नहीं मिला है? दिले ना तो कहाँ लेते, देते तो मैं लेते। आपको मिला ही नहीं है? ना ना मिला। आप कभी गए नहीं एजेंसी में कि सिलेंडर मुझे चाहिए? गए नहीं तो कैसे 1000 रुपया घुस ला बता देवो। अभी हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के कुम्मा गाँव से 1 किलोमीटर बाद ये गाँव पड़ता है। यहाँ पे मल्लिक समाज है, डोम समाज जो SC ST में आते हैं, उन्हीं सबसे हम बात करेंगे। इन लोगों का सर्वाइवर कैसे होता है, कैसे जीवन यापन चलता है, उन पे हम बात करेंगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इधर भैया है, ये इधर बांध रहे हैं ये मुझे पता नहीं। हालांकि ये ऐसे पारंपरिक चीज़ है, डोम समाज भी एक अपने आप में पारंपरिक समाज में ये लोग जीते हैं। भले ये लोगों का उस तरीके से दर्जा ना मिल पाए, लेकिन इनके ये बनाए गए इसको क्या बोलते हैं सर? चंगेरा। इस चंगेरा के बिना ना शादी होता है, ना पर्व होता है, ना त्यौहार होता है। मतलब ये समाज भी हमारे समाज के लिए बहुत ही कारगर है। हालांकि ये लोग बहुत गरीब होते हैं और ये लोग देख सकते हैं इन्हीं सब सारे चीज़ों से इन लोगों का जीवन यापन चलता है। आप लोग देख सकते हैं लगातार ये लोग बिन रहे। अभी लगन का भी समय है, अभी थोड़ा सीजन ज़्यादा तेज है। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। ये क्या कर रहे हैं आप? चटवा बिनना है। चटवा बिन रहे हैं, दौरा बिन रहे हैं। हाँ। चंगेरा के ये क्या चीज़ का बनता है? ब्याह शादी के सूचना हो रहा है। अच्छा, विवाह शादी में ये सब चंगेरा का काम होता है। ये बांस का है? बांस का। कहाँ से लाते हैं आप ये सब? खनी से, प्रवाह से, खनी बारा सनिया। मतलब गांव के आस पास से ही आप लोग बांस लाते हैं, इसको चीर फाड़ कर काफ़ी अच्छा बनाते हैं। ये लोग इतना फ्रेश, इन लोगों का हाथ होता है कि ये सब बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, इतना पतला कोई नहीं निकाल सकता है। इधर इनका यहाँ पे खाना बना है, अभी जस्ट ये चूल्हे पे खाना है, लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं। अभी देख सकते हैं इधर चावल का जो मार होता है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें आग भी है। इसमें आप लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, काहे बनाते हैं? सिलेंडर उलेंडर नहीं मिला है क्या? ना ना मिला है। काहे नहीं मिला है? दिले ना तो कहाँ लेते, देते तो मैं लेते। आपको मिला ही नहीं है? ना ना मिला। आप कभी गए नहीं एजेंसी में कि सिलेंडर मुझे चाहिए? गए नहीं तो कैसे 1000 रुपया घुस लाबा तो देवो। 1000 रुपया घुस लाबा तब देंगे? हाँ। ये मोदी सरकार जी का घर घर सिलेंडर का बहुत बड़ा योजना चला था और ये मोदी जी का दावा भी था कि घर घर सिलेंडर पहुंच गया, लेकिन इन लोगों के पास अभी तक सिलेंडर नहीं पहुंचा है। वहां पर अभी चूल्हे है, वहां पे खाना बना है। अच्छा, ये आप लोग गए थे तो वहां पे 1000 रुपया घूस मांग रहा? हाँ, 1000 रुपया घूस मांग रहे थे। 1000 घूस मांग रहा था, इसलिए आप लोग नहीं लिए? वैसे ना ले लिए। अच्छा, उस लिए नहीं लिए कि सिलेंडर महंगा है इसलिए आप लोग नहीं लिए? अगर सिलेंडर आप लोग को मिल जाता तो क्या आप लोग सिलेंडर खरीद कर बनाते आप लोग? ना बनाते ना, तो मैं गैस ना भरा तो मिलता है तो केना खाना बनते, गैस पर खाना बनते। अच्छा, तेल ना भरा था। अच्छा, तो मतलब उस पर बनता, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग लकड़ी पे बनाते? हाँ, लकड़ी पर, जरना पर। जरना पे बनाते? हाँ, तो वही लकड़ी जरना से लोग सूखे लकड़ी लाते हैं, मतलब पेड़ पौधे से तोड़कर, और ये लोग इसी से खाना बनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंदल मल्लिक। दौरा बना रहा है। इंदल मल्लिक विवाह का दौरा बना रहा है। इंदल मल्लिक कितना रुपया में बिक जाता है भैया? 60 रुपया 70 रुपया। 60 रुपया 70 रुपया में एक दौरा?
एक दौरा। अच्छा, कितना देर लग जाता है इस दौरा को बनाने में? एक घंटा। एक घंटा में 60-70 रुपये आप कमाते हैं। अभी लगन का समय है तो थोड़ा तेज भी है, इस सब का मांग ज़्यादा हो गया है। हाँ, ये सब का ज़्यादा मांग हो गया है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए भैया कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव होने वाला है सीतामढ़ी में, क्या आप लोग किधर वोट कर रहे हैं? सीतामढ़ी जिला में वोट कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिला में किधर वोट कर रहे हैं? जैसे कि महागठबंधन RJD से के सिंबल से अर्जुन राय जी लड़ रहे हैं, इसके बाद BJP से लड़ रहे हैं, तो मतलब इस बार किधर BJP RJD किधर? तेने लोग सब देगा, तेने घर ही देगा। मतलब जो लोग जिधर देगा उधर आप ही देंगे? हाँ। अच्छा, समस्या क्या होता है आप लोगों को? समस्या क्या होता है आखिरकार? जो 5 किलो चावल मिलता है वो सब मिलता है आपको? नहीं मिलता है 5 किलो चावल। 5 किलो चावल नहीं मिलता है? ना। क्यों नहीं मिलता है, कुछ पता है आपको? सब डीलर खाता है। सब डीलर खा जाता है? हाँ। आप लोगों को कभी नहीं मिल रहा है? कभी ना, 5 किलो भाई 2 किलो फाजिल ना दे फिर भी नहीं मिलता है ना। अच्छा, ये रोड के साइड में आप लोग बसे हैं तो ये आप लोग का अपना जमीन है क्या? अपना सन जमीन ना है। हाँ। बिहार वाला जमीन है, मतलब बिहार सरकार का जमीन। हाँ। अच्छा, ये लोग बिहार सरकार के जमीन में बसे हुए हैं, लोग काफ़ी गरीब है। कितने वर्षों से आप लोग होंगे यहाँ? तो लमसम जैसे 30-40 वर्ष से थे। 30-40 वर्ष से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, 30-40 वर्ष से। 30-40 वर्ष से। ये सारे आपके बच्चे हैं, जरा दिखाइए। ये बच्चे हैं, देख सकते हैं, ये सब मल्लिक समाज के बच्चे हैं। और इधर ये बाबू खाना बना रही थी, अभी चावल बनाई है। ये लोग खाना भी बना लेती है छोटे छोटे उम्र में। बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं आप लोग? पढ़ाते हैं कि पढ़ाने के लिए कहते हैं, भागता है लड़का, स्कूल में से भाग आता है। स्कूल में से भाग जाता है? भाग जाता है। सरकारी स्कूल में आप लोग भेजते हैं? भेजते हैं। तो वहाँ टीचर वहाँ पकड़ कर नहीं रखता है? नहीं नहीं, कोई नहीं रखता है। नहीं रखता है, पढ़ने के लिए तो भाग जाता है, बच्चा से मारते हैं कभी कभी तो भाग आता है। भाग जाता है। हाँ, देख सकते हैं आप लोग, ये बच्चा सब है, किस तरीके से ये लोग रह रहा है। हालांकि आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये लोग कैसे किस तरीके से रह रहे हैं। इधर बुजुर्ग हैं चाचा, ये भी चाचा दौरा ही बिन रहे हैं। दौरा ही बिन रहे हैं आप? हाँ, दौरा ही बिन रहा है। क्या नाम है आपका? बिलट मल्ली। बिलट मल्ली। हाँ। अच्छा बिलट मल्ली जी, ये कितना दिन से आप काम करते हैं सब? कितना दिन से? 50 वर्ष कर रहे हैं। 50 वर्ष से काम कर रहे हैं। हाँ। ये आप लोग का पुश्तैनी काम है। हाँ। अच्छा, ये आप लोग का जैसे कि इधर राशन, जैसे अभी बोलते हैं कि राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड में नाम है, काहे नहीं मिलता है? ना मिले, हमारा झूठ ना बोला, राशन मिले उस बच्चा का नहीं मिलता। हाँ। उसको पत्नी मर गया, राशन नहीं दे रहा है। अच्छा। उसको 5 गो बच्चा है। अच्छा। क्या कमाता था, खाता ना था, भूखे पर रहता है। अच्छा। मतलब उनकी पत्नी जब से डेथ किया है तब से डीलर उनको नहीं देता है, उनके 5 बच्चे हैं। हाँ। आप लोगों को हालांकि मिलता है? हाँ। अच्छा, मतलब और देख सकते हैं इधर भाई इधर है। अच्छा अच्छा, एक और बात करेंगे चाचा, इस बार लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, आप लोग किधर वोट कर रहे हैं, RJD BJP किधर? गांव समाज में ठीक जहाँ देने सब दे लेते हैं, हम उसे देखिए। नहीं तो फिर भी होता है ना, अपना मन होता है कि हमारे समाज को ये नेता देख रेख करते हैं, उनको हम देंगे वोट। हाँ। कोई नेता आप लोगों के पास आता है देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आता है? कोई नहीं। तो आप लोग का कैसे दुख तकलीफ कैसे दूर होता है जब नेता लोग आते नहीं हैं, आप लोग से कुछ समस्या दूर नहीं होता है, आप लोग का अपना जमीन भी नहीं है, रोड के किनारे सरकारी जमीन में आप लोग रह रहे हैं, कभी भी खाली उली भी करवा सकता है? हाँ। कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे आप? हाँ, मांग करेंगे। क्या? हम लोग को बसने के लिए जमीन चाहिए। अच्छा, बसने के लिए जमीन आप लोगों को चाहिए? चाहिए। हाँ। इंदिरा आवास भी चाहिए आप लोगों को? हाँ, इंदिरा आवास चाहिए, पाप भी चाहिए। मतलब आप लोग को ना जमीन है ना इंदिरा आवास भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं। इधर और भी इधर बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, इधर देख सकते हैं, ये डोम समाज का घर है, आम गाम ग्राम भाषा में ये डोम कहता है इन लोगों को, और ये घर है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बांस का ये लोगों का घर बना हुआ है। इधर इन लोगों का बच्चा है, देख सकते हैं ये भी इधर घर है, इधर भी ये घर है, और इधर चाची खाना खा रही है। वीडियो
देख सकते हैं। क्या हुआ चाची? दे ना सरकार देवा कथी? सरकार नहीं देता है कुछ? ना। क्या चाहिए आपको सरकार से? इतना जमीन घरारी ना वैसे देवे ना करिए। आपको जमीन घरारी नहीं है? ना कुछ ना। इंदिरा आवास नहीं मिला है? ना। राशन मिलता है आपको चाची? मिले छे। राशन मिलता है? हाँ। अच्छा, और देख सकते हैं ये लोगों का घर का ऐसे ही घर है, ये लोग खाना वाना बना कर भी रखे हुए है, और कुछ जो बांस उसका सामान सब है वो सब भी है, मतलब इन लोगों का काफी देवे ना करिए गांव के गुआर सब है। सरकारी में ची नदी में ना टपे दिया। अच्छा, मतलब यहाँ के लोग आपको रहने नहीं देते? यहाँ के यादव सब, यादव लोग सब। हाँ, रहे ना दिया। अच्छा, हट करिए भाई, झगड़ा मार पीट करे डोम से। क्या कहता है कि भाग जाओ यहाँ? हाँ भाग जाला। अच्छा, ये भी दिक्कतें होती है, हालांकि समाज में इन लोगों का उतना इज्जत नहीं होता है, अभी भी ऐसा है जैसा कि लोग कहते हैं। इधर देखिए इन लोगों का, इधर कलुल है और इधर भाई लोग बना रहे हैं। इधर इन लोगों से भी बात करेंगे कि ये लोग, क्या नाम हुआ भैया आपका? जी विकास मल्ली। विकास मल्ली, कितना उम्र हुआ आपका? जी ये 24 साल। 24 साल हो गया। पढ़ाई किए हैं आप? जी पढ़ाई तो नहीं किए। तो ये क्या कर रहे हैं भाई आप, ये बांस का क्या कर रहे हैं आप? ये दौरा का जाती बनेगा, चंगेरा का बनेगा। अच्छा, ये लोग, ये कब से आप काम कर रहे हैं? यही 10-12 साल से कर रहे हैं। 10-12 साल से, मतलब बचपन से ही आप लोग सीख लिए? जी। अच्छा, और ये क्या है जरा बताइएगा भैया हमको, जरा दिखाइए, जरा उठिए, जरा उठकर हमको बताइए। आइए ना, आइए ना, आइए, दिखाइए जरा। ये जैसा मुझे लगता है कि ये सुअर है ना? ये काटता भी है क्या? जी आता है तो थोड़ा बहुत काट लेता है आदमी के। अच्छा, है। नहीं काटता। और इधर देखिए ये लोग अपना फ्रेम बनाकर ये लोग सुअर पोसते हैं। इधर दिखाइए जरा, इधर बहुत सारा बच्चा भी है ये सब। अच्छा, कितना बच्चा दे देता है ये भैया? ये सब कितने सुअर होंगे अभी आपके पास? अभी हमारे पास 10 है। 10 है? अच्छा, आया हुआ है 3, मतलब बच्चा दिया हुआ है। जी। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं अभी उस सबका? एगो के 5 बच्चा है, एगो के 8 बच्चा भी आया था, ये 2 ही भी आया था। तो इसका क्या करते हैं आप लोग, जैसे कि इसको पाल कर क्या करते हैं? इसको पाल करके बेचते हैं, जैसे कि अपना शादी ब्याह में काम होता है, यही सबसे होता है हमारा। मतलब अपना शादी उदी हुआ तो कोई भी फंक्शन पार्टी हुआ तो इसको आप बेच करके होता है, बेच कर ये खाते हैं आप लोग? हाँ, ये लोग ये सब खाते भी है, और भी लोग खाते हैं। अच्छा, यही सब होता है। यही सब होता है। कितना में बिक जाता है भैया ये सुअर? अभी तो 300 रुपये किलो गोश है इनका। अच्छा, 300 रुपये केजी इसका गोश बिकता है? जी। मतलब खसी से सस्ता, मुर्गा से महंगा? जी, थोड़ा मुर्गा से महंगा होता है। और देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से ये समाज जीते हैं, और इस समाज को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समाज को दिखाएंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। हालांकि ये लोग चुनाव करते हैं तो खुलकर बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग डरते हैं थोड़ा सा कि भैया क्या हुआ झाड़ू बहारू के। अच्छा, झाड़ू बहारू का न नौकरी हमारा सबके कहाँ लगल है? गुआर करे छे, कोरी करे छे, दुसाद करे छे, हमारा सबके डोम के झाड़ू बहारू वाली से न भेली। अच्छा, जो साफ सुथरा का काम होता है रोड पर, रोड पे साफ सुथरा, वो आप लोग को नहीं दिया गया? न, दूसरे लोग कर। हाँ, ज्यादा। तो आप लोग भी चाहते हैं कि वो नौकरी करे? हाँ, तो ये डोम हरखोर के नौकरी है, डोम हरखोर के नौकरी है ये। अच्छा, ये डोम हरखोर का नौकरी ही है, ऐसा ये लोग चाची कहती है। ये लोग कहते हैं कि देखिए ये झाड़ू है, इसी झाड़ू सबसे मतलब रोड रोड सफाई करता है, जो साफ सफाई का जो कार्यक्रम है मोदी जी चाहे बिहार सरकार भी काम करवाते हैं, तो इन लोगों को हायर करते हैं, इन लोगों को नौकरी देते हैं, हालांकि इन लोगों का ये चीज़ नौकरी नहीं मिला है। चलिए फिर से आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा विजुअल करके आप जरा दिखाइए देहाती जी किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, और ये लोग इन समाज का भी वीडियो, इन समाज का भी पुकार सरकार के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि इन लोग बहुत ही मशक्क़त से बहुत सारा दिक्कत सामना करते हुए बहुत बदहाली से ये लोग जीते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इधर इधर जरा दिखाइए, इन लोग के बच्चे हैं, ये लोग भी हालांकि पढ़ता लिखता नहीं है, इन लोग भेजते भी है कभी कभी सरकारी स्कूल में, तो ये लोग भाग जाता है, और ज़्यादा जानकारी भी इन लोग पढ़ता है। बाबू, तुम लोग पढ़ने नहीं जाते हो ना? पढ़ने जाता है तुम लोग?
हाँ। कहाँ जाता है? सरकारी में। हाँ। कहाँ जाता है? सरकारी में। सरकारी में जाता है? हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कितना में पढ़ते हो अभी? पहला है। कॉपी किताब है तुम्हारे पास? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कोई स्लेट उलेट है तुम्हारे पास? हाँ। स्लेट है तुम्हारे पास? ना। तो ये लोगों के पास पढ़ता नहीं है, हालांकि ये लोग उनका उतना ध्यान भी नहीं देता है। सरकार भी कोशिश करती है लेकिन उतना ये लोग पहुंच नहीं पाते। चलिए, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से ये समाज जीता है और इस समाज के लिए भी सरकार को ये वीडियो देखना चाहिए।